अरकुंदा प्रखंड सभी तरह के सुविधाओं से लगभग वंचित रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही पीछा हुआ, और सबसे दुख की बात यह है हमारे प्रखंड के सभी नौजवान नशा में दिन प्रतिदिन डूबते जा रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि गौतम सर के द्वारा हमारे गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल खुल रहा है, और इसके लिए मैं बबलू सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो बहुत मुश्किल से गौतम सर को मनाकर यहां गांव में लाए, और साथ ही कुंदा प्रखंड के 78 गांव के सभी ग्राम वासियों की ओर से मैं गौतम सर को ये सुनिश्चित और वचन देता हूँ कि किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी समस्या, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या सामाजिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या उनको नहीं होने देंगे। कुंदा प्रखंड पुरोहित नंद किशोर वैद्य बेसरा का हो। यह क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत पीछे, और हजारीबाग गौतम सर के द्वारा शिक्षा की ऊंचाई तक लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा खुशी है। साथ ही साथ विनोद साहब जी जो हैं बोधाडी के, वे भी हर सुविधा साधन देने के वचनबद्ध हैं। अपने यहाँ जो हमारे बबलू सर जो बहुत ही मेहनत करके हमारे गौतम सर को लाने के काम किए हैं, हम आगे बुलाना चाहता हूँ बबलू सर को, जो गौतम सर से गले मिल करके अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गौतम सर और बबलू सर जो ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उसके बाद हम गौतम सर को फिर करेंगे, हमारे जो समाज सेवी विनोद कुमार साहु जी हैं वो मिले, एक दूसरे से आकर के गले मिले, और इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाने में हमारे अहम सहयोग विनोद साहु जी हैं, जो समाज सेवी हमारे बोधाडी पंचायत के हैं। अब और साथ में मैं सबसे पहले चाहूँगा कि उदय भैया जो यहाँ रुकने में हम लोग को स्कूल को खोलने में और इस स्कूल को कहीं और जाने से रोकने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए, उनसे गले मिल के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हमारे इस सौभाग्य की बात है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में हमारे एक नौजवान साथी गौतम जी, जो ने हजारीबाग से चलकर बबलू जी के सहारे इस कुंदा प्रखंड के पिछड़े हुए क्षेत्र में एक दीप जलाने का काम कर रहे हैं, जो बच्चे को शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय का जो कार्यक्रम रख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में बच्चे लोग अपना ज्ञान अर्जन करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये सौभाग्य की बात है कि ये पिछड़े हुए क्षेत्र में जो लोग यहाँ हमारे लोग क्षेत्र को बदनाम करते हैं कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ नक्सलवाद है, उग्रवाद है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप निफिक्र होकर के कार्यक्रम कर सकते हैं, यहाँ के सभी ग्रामीण सभी जनता आपके साथ है, सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। आज गौतम जी खास करके हमारे जो बबलू जी हैं आज आए हैं हमारे इस कुंदा प्रखंड में आकर के एक स्कूल का कार्यक्रम रख रहे हैं, और पुराना सदियों जो हमारा एक सपना था आज साकार होने वाला है, जो आज हमें एक उत्साह बहुत अंदर से हो रही है कि आज हमारा सपना साकार हो रहा है इस क्षेत्र में।
मैं बचपन से जब से मैंने होश संभाला तब से मैं देखा कि विनोद चाचा यानी विनोद साहू जी बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं और बहुत एक्टिव रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। मैं जब गौतम सर को यहाँ लाया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है जगह दिलवाने में और भी बहुत सारे कार्यों में। विनोद साहू जी बहुत ज़्यादा हेल्प किए। मैं मोहन मुरारी वैद्य के उसी के साथ बोल रहा हूं कि इसके पहले हमारे गांव में ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग के पंचायत में भी एक अच्छा विद्यालय जो बच्चों के लिए भविष्य संवारने और सुनहरा अवसर अपना भविष्य संवारने के लिए खुल रहा है, ऐसा विद्यालय का यहाँ पे बहुत ही अभाव था। और इसमें हमारे विनोद जी समाजसेवी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। सर जो गौतम जी के सर को जो लाए जो मेरे गांव में मेरे घर के सामने जो स्कूल खोलने के काम किए हैं वो हम कभी सोचे होंगे नहीं जो मेरे गांव में इस तरह की स्कूल खुल सकता है। अब मेरा गर्व है, खुशी की बात है कि जो मेरा कुंदा प्रखंड अठहत्तर गांव है ऐसा स्कूल खुल रहा है। हमारा पीछे वाला पीढ़ी लोग को हमारा बाल बच्चा लोग भविष्य उज्जवल हो ताकि हमारा आने वाला समय डॉक्टर इंजीनियर मास्टर आई एस अफसर ही बने हमारा गांव के प्रखंड के वसन। इसमें बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ गौतम सर के और गौतम सर का। ये हमारे विनोद साहू जी समाज सेवी जो हैं वो जैसे ही सुने कि गौतम सर घर लाए हैं गौतम सर को जो स्कूल जो खोलने के बाद किए हैं जैसे ही सुने मैंने उनको पता चला उसी समय तुरंत गौतम सर के विजिट किए, गौतम सर के जगह जगह पर लिख के स्कूल के लिए जगह दिखा रहे हैं कि यहाँ खोलिए सर, यहाँ जगह है सर, ये देखिए जगह पसंद कीजिए सर। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विनोद सर को, विनोद साहू के कि इस लक्ष्य उसको है कि हमारा गांव विकास हो, हमारा शिक्षा आगे हो, हमारा आने वाला पीढ़ी लोग शिक्षा के जागृत हो। इसलिए बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं विनोद साहू जी के कि तन मन धन देख लगा के ही गौतम के आगे बढ़ावें उनके सहयोग हैं। आज हमारे गौतम सर इस क्षेत्र में आकर के जो एक दीप जलाने का काम कर रहे हैं जिसमें हम इस जितने भी ग्रामीण हैं इनके साथ हैं, हर एक समय हर एक पल जितना भी जरूरत पड़ेगा हम इन लोग के साथ रहेंगे, जितना सहयोग होगा अधिक से अधिक करने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ का जो समाज सेवी विनोद साहू जी हैं वो आर्थिक सामाजिक सभी तरह से हमारे सर को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी हैं सबको एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जितना भी हो सके हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर और बबलू सर के लिए।